अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शायरल्स किचन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पालक गोश्त की इजी और आसान सी रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो पालक हमने अच्छे से वॉश करके काट ली। 1/2 किलो हमने बीफ का मीट ले लिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट मैं आपको आगे मेंशन करती रहूँगी जब पकाऊँगी। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कुकर चढ़ा दिया है, 150 ml ऑयल इसमें डाल दिया। इसको अच्छे से गर्म करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का स्टिक डाल देंगे। इसको 30 सेकंड तक फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें अच्छी खुशबू आ जाए। अब देखिए ये फ्राई हो चुका है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने स्लाइस में काट कर इसमें डाल दिया। इसको हमें गोल्डन फ्राई करना है। अच्छे से चलाते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, बस हल्का ही गोल्डन कलर इसका करना है। देखिए ये गोल्डन कलर आ गया है इसका, देखिए। बस इतना ही हमें फ्राई करना है। अब हम इसमें मीट डाल देंगे। मीट को हमने अच्छे से वॉश करके छन्नी में रख दिया था, ये हमने इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। 2 मिनट के लिए हमें अच्छे से इसको फुल फ्लेम पर फ्राई कर लेना है, जब तक कि इसका कलर ऑफ वाइट ना हो जाए। देखिए इसको चलाते हुए अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। अब देखिए ये अच्छे से 2 मिनट से फ्राई हो रहा था, इसका कलर भी ऑफ वाइट हो गया। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट फुल भर के डाल देंगे और इसको अच्छे से मीट में मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है। अब मसाले भी डालेंगे। 1 टीस्पून मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून धनिया हमने इसमें डाल दिया और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसमें 2 टमाटर को चॉप करके डाल दिया। ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिसको हमने चॉप कर लिया और इसको डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब देखिए ये मिक्स हो चुका है। इसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और डालकर अच्छे से भून लेंगे। अब देखिए ये अच्छे से भून चुका है। हम इसमें पालक डाल देते हैं। पालक को हमने वॉश करके छन्नी में रख दिया था, ये हम इसमें डाल देते हैं। सारी पालक हम इसमें डाल देंगे। साथ ही साथ हमने 4 हरी मिर्च को बड़े साइज़ में काट लिया था, डाल दिया है। और 1 मुट्ठी हरे धनिए को हमने चॉप कर लिया था, आधा हम डाल देंगे, बाकी का गार्निश के लिए रख लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से हमने इसको चलाते हुए मीट में मिक्स कर लिया है। अब हम 1/2 कप इसमें पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इस पर लिड लगा देंगे और लिड लगाकर फुल फ्लेम पर 1 व्हिसल का इंतज़ार करेंगे। 1 व्हिसल आने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और 30 मिनट के लिए इसको पकने के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। 30 मिनट के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और स्टीम में छोड़ देंगे। जब स्टीम ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद ही हम लिड खोलेंगे। अब देखिए स्टीम ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो गई है, हम लिड खोल देते हैं। इसमें देखिए थोड़ा पानी है तो हम फुल फ्लेम करके पानी को सुखा देंगे। हमें इसको अच्छे से भून लेना है। अगर आप शोरबेदार चाहते हैं तो आप इसको ना भूनें, ऐसे ही सर्व करें, लेकिन मैं इसको भुना भुना रखूँगी तो इसको मैं भून लेती हूँ, पानी को सुखा लेती हूँ। अच्छे से चलाते हुए फुल फ्लेम पर हम इसको भून लेंगे। अब देखिए ये भून चुका है। इसमें हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे।
फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने। अब बाकी का बचा हुआ धनिया इसमें डाल देंगे। हमारा पालक गोश्त बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बना है। हम इसको मन चाहे बोल में सर्व कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी ये पालक गोश्त बनकर तैयार हो जाता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और खाने में बहुत ही मज़ेदार होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।